पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु राज्य के द्वीप के मुख्य भूमि में मंडपम से जुड़ने वाले एक रेल सेतु है 1911 इलेवन अगस्त से इसका काम बनाना शुरू हो गया था और इसका उद्घाटन 1914 फोर्टीन फेबर को कंप्लीट हो गया था इसका उद्घाटन हो गया था ये ब्रिज रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट की रामेश्वरम की धनुष आइलैंड को जाके जुड़ती है ये जो ब्रिज है समुद्र के बीचे बीच बनाया गया है और ये ब्रिज का जो लंबाई है टू पॉइंट सिक्स फाइव किलोमीटर है 1964 सिक्सटी फोर डिसम्बर सत्रह को दक्षिणी अंडमान सागर की जो परिस्थिति खराब हो गई थी जिसकी वजह से 19 दिसंबर तक वो आके तमिलनाडु में पहुंच गई थी फिर रचना को ट्वेंटी वन दिसंबर को तेज हवा ने पश्चिम का रूप ले लिया था और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने लगी थी ये तेज़ हवाएं श्रीलंका पाक स्ट्रीट के रास्ते रामेश्वर में आकर पहुंची रामेश्वर की आयरलैंड धनुषगढ़ में आकर पहुंची उसी रात तेईस पचपन को ट्रेन नंबर सिक्स फाइव थ्री पाम्बन धनुष डेली पैसेंजर जो कि धनुषगुड़ी आने से पहले पाम्बन से 110 यात्री लेके उसके साथ पांच रेल कर्मचारियों के साथ आ रही थी बहुत ही धीमी गति से वो 100 मीटर पहले सिग्नल का वेट करते हुए आउटडोर पर ही रुक गए धनुष स्टेशन पर एक स्टीमर वेट कर रहा था जो कि यात्रियों को श्रीलंका लेके जाने वाला था सिग्नल में आई खराबियों की वजह से ट्रेन की लोको पायलट ने एक लंबी हुई मारी और रिस्क लेते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दी कोई कुछ समझ पाता इस टाइम में वो समुद्र के एक विशालकाया लहराई और पूरी की पूरी ट्रेन को समुद्र की गहराई के अंदर लेके गई जो ट्रेन सिक्स कोचपल था वो उस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचा सब लोग मर गए थे इस जो लहरें ट्रेन की जो लाइन थी उसको भी नष्ट कर दिया था सरकार आंकड़ों के मुताबिक उस दिन मिनिमम ढाई हजार लोग की जान गई थी आज भी धनुष कोड़ी के लिए या तो फिर रामेश्वर के लिए कोई ट्रेन नहीं है पामवन ब्रिज का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है मैं आप लोग को वो 1964 सिक्सटी टाउन का वीडियो दिखा देती हूँ प्लीज़ वीडियो में बने रहिए यह रामेश्वरम की धनुष ये एक रहस्यमय सुनसान इलाका है इधर वीडियो बनाने के लिए मैं अकेली पैदल पाँच किलोमीटर आई हूँ क्योंकि इधर गाड़ी नहीं रुकता फुल लास्ट तक गाड़ी चला जाता है ये जगह पहले बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस था देश विदेश से लोग इधर आते थे श्रीलंका और इंडिया के बीच इधर बिजनेस होता था इधर पहला हॉस्पिटल लॉज टेम्पल चर्च पोस्ट ऑफिस होटल आदि सब कुछ था लेकिन 1964 दिसंबर 22 से 25 के बीच जो चक्रवात हुआ था समुद्र में उसमें सब कुछ तहस नहस हो गया तीन पीढ़ी तक तो कोई जिंदा नहीं बचा सब लोग मर गए किसी को कोई कांधे देने वाला नहीं था ना तो किसी को पीण देने वाला था उसके बाद जिसने भी इधर आके रहने की कोशिश की हिम्मत दिखाई उसकी हिम्मत टूटी उनको अजीब अजीब आवाज़ आ रहा था फाइनली वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको घोस टाउन निकाल कर दिया शाम पाँच होने के बाद इधर किसी को रहने की परमिशन नहीं है सबको इधर से निकाल दिया जाता है ये थी पामवन ब्रिज से जुड़ी हुई एक दर्दनाक दुखदमय और एक रहस्यमय हादसा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा रखती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय